नॉर्मल से डिजाइन से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और एक सेकेंड रेक्टेंगल ले लिया और एक लाइनिंग देके इसको बीच से मैंने ड्रॉ कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, ये कुछ हेल्पफुल है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, और नए सारे वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं इसको लाइनअप कैसे करते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि लाइनअप कैसे करते हैं। सॉरी, ये मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया। ये देखिए, इन दीवार के ज्वाइंट्स के बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए, जिसका ये फायदा होता है कि अगर हम एक साथ इसको पावरफुल टूल के मदद से उठाते हैं तो ये सारा एक ही बार में उठता है। तो मैं इसको बैंड कर देता हूँ ताकि आगे का पोर्शन ना उठे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि दरवाजे कैसे बनाते हैं, खिड़कियाँ कैसे बनाते हैं, हैंडल कैसे बनाते हैं, तो अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए। यहाँ मैंने दरवाजा बनाना बताया था उसमें क्लियरली। और इस वीडियोस में जैसा कि मैंने वादा किया था कि छत का और कलरिंग का कंसेप्ट, कलरिंग का तो मैं बता चुका हूँ, एक्चुअली आज छत का बताने जा रहा हूँ। डन। आज मैं आप लोगों को छत बनाना बताऊंगा। देखिए, अपने डिजाइन के किसी भी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करें रेक्टेंगल टूल की मदद से। इससे राइट साइड में जिसपे कि ब्लैक लकीरें बनती है, उधर एक रेक्टेंगल खींच लें, फिर इसके ऊपर एक लाइनिंग ड्रॉ कर दें ऊपर, जो कि ब्लू एक्सिस पे होनी चाहिए। और देन आप इसको ग्रीन एक्सिस पे यहाँ तक ले जाए, फिर यहीं से यहाँ तक ले जा सकते हैं आप। और आपने जितना पे करना है आप अपना सेलेक्ट कर लो और इसको ड्रॉ कर दो। लाइक मैंने यहाँ से लिया और ये वाला आ जाएगा मेरा ग्रीन एक्सिस पे, ये ग्रीन एक्सिस हो गया। ये मैंने रेड पे लेना है, ये देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल सा छत रेडी हुआ है। जबकि आप बोलेंगे कि छत का तो कुछ वेट होता है, तो मैं जैसा कि अभी आप लोगों को वेट बनाना बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पावरफुल बटन की मदद से मैंने नीचे की ओर खींच दिया। देखिए, आपको बस ऊपर का ये लेयर सेलेक्ट करना है पावरफुल की मदद से और हल्का सा नीचे इसको पुश कर देना है। ये देखिए, एक छत का मॉड्यूल तैयार हो चुका है। तो इसमें जैसा कि मैंने बोला था, सजाना भी कुछ बताऊंगा, तो आप लोग इस टूल की मदद से ये छत पे वॉल कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेलिंग बोलते हैं। ये हो गया। और इसमें चलिए आज मैं एक टेक्स्ट का टॉपिक अलग से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर शॉप, राइट, और फिर मैं इसको प्लेस कर दूंगा यहाँ पे एडिट कंपोनेंट, सॉरी, ये
इसको आपकी मर्जी जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये दुकान का कंप्यूटर शॉप, और ऊपर में मैं शॉप का नाम दे देता हूँ, जैसे हर्ष इंटरप्राइजेज। हर्ष इंटरप्राइजेज अगर ऊपर वाले को थोड़ा बड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से हम लोग 15 सेलेक्ट कर सकते हैं, डन, और प्लेस फिट कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया। ये एक अच्छा खासा दुकान का मॉड्यूल लग रहा है, जहाँ पे कि ये एक कंप्यूटर शॉप है। और फिर अंदर मैं अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा कि सजाते के इसमें कैसे हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स कैसे डालते हैं और शीशा कैसे लगाते हैं, यही सब। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।